नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त हमारी टीम आप पहुंची है बिहार के मधेपुरा जिला में। जैसा कि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, हर प्रत्याशी जो है अपने अपने जनता को रुझाने में लगे हुए हैं, अपने और आकर्षित करने में लगे हुए। जहां आरजेडी बीजेपी जदयू का वर्चस्व है, वहां पे एक आम नेता खड़े हैं जिसका नाम है प्रोफेसर कामेश्वर यादव जी, और इसका है 6 नंबर में मोतियों की हार छाप है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि जहां बीजेपी आरजेडी बड़े बड़े वीआईपी पार्टी के नेता लोग खड़े हैं मैदान में, उसमें यह कहां तक अपना सीट अपना पाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रोफेसर कामेश्वर यादव। कामेश्वर यादव जी, आप जो है लोकसभा चुनाव में लड़ रहे हैं जी जी, क्या छाप आपका है? हमारा छाप है मोतियों का हार छाप। मोतियों का हार छाप, क्रमांक संख्या 6 पे है। 6 पे है। ये बताइए, यहाँ पे से कितने ऐसे प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, सो बताइए पहले। कितने? 8 प्रत्याशी। 8 प्रत्याशी है। 8 प्रत्याशी है जिसमें दिग्गज आपको है बीजेपी जदयू का मिलन होगा। हम मिलन होगा। हाँ हाँ, बाकी आरजेडी भी है। वो भी है। उतने दिग्गज प्रत्याशी के बीच में आप अपना मत कहाँ तक ला पाएंगे? हम भारी मतों से जीतेंगे और जीतेंगे निश्चित, इन लोगों को पछाड़ मारेंगे। इसलिए कि कहा कभी न कहा ऊपर ऊपर की जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते हैं ऐसे जीते हैं जीने वाले हैं। अब की बार 1977 की लहर अब जगने वाली है, क्योंकि कहा किसी कवि ने कहा कि हर धार व तलवार बदल जाती है, सरकार की सरकार बदल जाती है। जब जनता दलादल मालिक लेती है करवटे, तो इतिहास की रफ्तार बदल जाती है। वही जनता करवट बदलने वाली है। इसलिए कि ऊपर वाले पार्टी जो बड़ा पार्टी होता है वो है, वह जो है जनता के बीच कभी नहीं घुमा है, नहीं घूमता है और बैठे रहता है, चाहता है कि हमको तो वोट मिलेगा ही, तीनों में से कोई को जनता को देना ही है। तो इस तरह जो हुआ हुआ उसको अहम हो गया। लेकिन नहीं, भगवान कृष्ण का कहना है कि परिवर्तन संसार का नियम है, अब के बाद परिवर्तन होकर रहेगा और हमको वोट मिलेगा, हम जीतेंगे। ये बताइए, जब एक लोग मुखिया का चुनाव लड़ते हैं ना, अपने काफिले के साथ चलते हैं, आप संसदीय का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपके पीछे एक भी आदमी नहीं देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों? कैसे चुनाव जीत पाइएगा आप? कहना आपका सत्य है। हम 4-5 महीना पहले से जनता के बीच दोनों लोकसभा में संपर्क कर चुके हैं और हम कह दिए हैं कि हम पुनः आपके बीच। आप 4-5 महीने से कर रहे हैं संपर्क, लेकिन जो यहाँ पे 4-5 साल से 15-20 साल से करते हैं वो भी चुनाव नहीं जीत पाते हैं। नहीं, 4-5 साल से वो कभी भी संपर्क किए हैं, महंत जैसे बैठे रहे हैं। हाँ। और टाटा आगे हम जीतेंगे, इसलिए बड़का पार्टी है। हाँ। और हम हमारे डर से या जैसे बुद्धि विवेक से हम जीते, लेकिन वो आपकी बात जीतने नहीं देंगे। कारण यह है कि हम जनता के बीच गई है, जनता के बीच अपनी आवाज, यह आवाज जो दे रहे हैं, यह आवाज उठाए हैं सारे लोग ने मुझे। मधेपुरा से बीजेपी और जदयू चेहरा कौन है? बीजेपी से चेहरा है सीटे एमपी दिनेश यादव। हाँ, महंत। हाँ, कभी न जनता के बीच में कभी न गया, न गया, न जाएगा। हाँ, और आरजेडी के है, उसका नाम है कुमार चंद दीप। हाँ, वो उस भाजी से हमको बातचीत हुई थी। हाँ, भैया आपकी बात हमको सपोर्ट कर दो। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, बहुत सारे लोग प्रत्याशी थे। हाँ, लेकिन किसी को टिकट नहीं मिला इनको। अब जैसे मिला हो जाने ऊपर वाले, लेकिन मैं जानता हूँ कैसे मिला है, मैं बताऊंगा नहीं। अच्छा, लेकिन लेकिन उन्होंने कहा मैं भी प्रोफेसर हूँ, मैं चुना लूंगा, कभी आके लड़ के देखिए कौन किसी को पछाड़ता है। जी हाँ। क्या मतलब आप जो खड़ा हुए चुनाव में लड़ने के लिए संसदीय का चुनाव, आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, सो कहिए। बैकग्राउंड मेरा है। हाँ। कि मेरी भावना है कि शिक्षा, धर्म, रोजगार, स्वास्थ्य एवं किसान को सम्मान मिले, जो कि वास्तविक जो सम्मान मिलना चाहिए उसका उदय होना चाहिए, सही ढंग से वह नहीं हो पा रहा है, वह लूटा जा रहा है। मेरा कहना ये मतलब हुआ ही लाइए, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है समाज के लिए, देश के लिए, जिला के लिए क्या किए हैं जो जनता आपको वोट देगी है, सो मेरा कहना हुआ। देश और समाज के लिए हम बहुत सारा काम किए हैं। सबसे पहले मैं अक्षर सैनिक हूँ, अक्षर सैनिक के नाते पंचायत सचिव, GRP डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, SRP स्टेट रिसोर्स पर्सन रह चुके हैं, और CRP सेंट्रल रिसोर्स पर्सन रह चुके हैं। बहुत सारे लोगों को जगाने का, पढ़ाने का काम किए हैं। दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में 1985 से रत्नेश नंदन महाविद्यालय से हमारे कलम से बहुत सारा इंजीनियर डॉक्टर बना होगा, लेकिन हम लोग आशा लगाए रहे हम लोग का कल्याण भी ये आरजेडी एवं जेडीयू या क्या कहते हैं मोदी बीजेपी करेंगे, लेकिन इन्होंने हम लोग का कल्याण नहीं कर सका। मैंने बीड़ा उठाया है कि जब तक मैं इस बीच रही शिक्षा नीति को खत्म नहीं कर देता हूँ, आजीवन पेंशन
और 2008 से हम नीतीश जी अनुदान दिए हैं, वो गलत किया। हम लोग 85 में भागी तब से अनुदान देना चाहिए, इसलिए मैंने संकल्प किया। हाँ, अच्छी बताइए, कभी पद पे रह के आपको काम करने का मौका मिला है कि सरपंच में, विधायक में या मुखिया में या किसी चीज में जीते आप कभी सीट? जी नहीं, झूठ नहीं, मैं केवल एक बार जो है कहने मतलब क्या कहते मुखिया के सदस्य खड़े हुए, इसलिए हम गरीब थे, गरीब है और पैसा था नहीं, सोचे वार्ड से जीत जाएंगे तो मुखिया भी बन सकते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी और एक और आदमी, तीनों आदमी को लग गया जो जीतेगा तो हम लोग का चयन नहीं होने देगा। वह आदमी दोनों मैंने मेरा दिया भी कहा जाए और हमारा कितनिया मुलजान है उसको ने, जब कितनिया खड़ा हुआ तो मुलजान को नहीं खड़ा होना चाहिए, वो खड़ा होके और केवल दो वोट से हमको दोनों मैंने दिया हमको प्राप्त किया। ये बताइए, संसदीय का चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप, पैसा कहाँ से लाते हैं खर्च करने के लिए? पैसा कहीं से नहीं, अनुदान जो मिला है हमको महाविद्यालय से, अब महाचरण का आह्वान है कि जब तक जो अभी वर्तमान जो सरकार में उसके विरुद्ध चुनाव नहीं लड़िएगा तो आपका कल्याण नहीं होगा, तो वही अनुदान वाला पैसा मैंने लगाया है और उसी पैसे से अपना हिम्मत किया है और अपना चुनाव लड़ रहा हूँ। मधेपुरा इतना बड़ा जिला है, इतना बड़ा जिला पैदल कैसे जा पाइएगा करने के लिए प्रचार प्रसार? सो कही जी हाँ, क्या कहते हैं, तेजस्वी आए थे पैदल मार्च करने, मैंने कहा मैं महातेजस्वी, मैं उन्होंने मैंने अवैध अपना से पैदल मार्च निकले, एक दिन दूसरे दिन जो सवेला होते हुए निकल गए, हम उनसे पहले पैदल मार्च पूरा 100 गज किए, हर जगह बहुत जगह पैदल मार्च विभिन्न पंचायत में किए, एक साइकिल से कहीं गए लगा दिए और हर गाँव हर पंचायत में हम अपना जो विचार को रखे है, पुनः अब पर्चा पोस्टर निकलता है, उसमें पूरा पूंजी लगाया हूँ, पर्चा पोस्टर के साथ हर पंचायत हर गांव घूम करके पर्चा पहुंचाएंगे और संदेश पहुंचा करके, मैं हमको विश्वास है कि भारतीय जनतांत्रिक दल को यह जो है जीत होगी, क्योंकि कहा गया है गली गली में शोर है भारतीय जनतांत्रिक दल बेजोर है, सबको देखा सबको परखा, एक बार दे दीजिए भारतीय जनतांत्रिक दल को मौका, तो मौका देने वाला है, जनता मौका देगी, हम जीतेंगे। ये बताइए, बिना कोई पद पर रहते आप क्या क्या सेवा किए जिला के लिए, सो बताइए। जिला के लिए बिना पद पर तो मुझे कोई पद मिला नहीं, एक एक पद जो साक्षरता अभियान में कहे ना आपको DRP डीसी रिसोर्स पर्सन SRPSC उस पद को पा करके हम मैंने अक्षर का मन जो है ना मैंने ये अलख जगाए हैं पूरे जिला में। ये बताइए, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? सुनते आप PhD किए हैं, लॉ किए हैं, ससुस में बात सच है, MA पास है, लॉ किए हुए हैं और PhD करके PhD के लिए यूनिवर्सिटी में अपना फाइल बढ़ाए, जब बाढ़ आई तो बाद में जो क्या हुआ था हमारी फाइल को दाब दिया, हम बीमार पड़े, अब थोड़ा 6 महीने के बाद आए कहा कि अब जो तेरा अब समय बीत गया नहीं हुआ PhD, इसलिए मेरा PhD लटका हुआ है और यहाँ के पदाधिकारी जो है मैं दिल खोल के कहता हूँ, जो पदाधिकारी था मैंने निवेदन किया कि बाद में ऐसे उनको मौका दिया जाए, यहाँ के लोग क्या कहते वह मैंने VC और जो कुर्सी में हेड बैठे बैठे दोनों मिलकर मुझे आगे निवेदन दिया, क्योंकि समझा ये बैकवर्ड है, इसको PhD का डिग्री नहीं होने देंगे। मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा, BJP के नेता, RJD के नेता, JDU के नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप में क्या ऐसा खूबी है कि आप उनको टक्कर दे पाइएगा? मुझ में बहुत बड़ी खूबी है, हम ये नहीं बोलते वो बड़ा है, बड़ा वह है जिसका चित बड़ा है, दिल बड़ा, हिम्मत बड़ा है, बड़ा वह है, उन लोगों को जो हम परास्त करके छोड़ेंगे वो लोग हो सकता है पैसा बांट करके, मुझे मालूम है कि पैसा बांटा जा रहा है, RJD पैसा बांट रहा है, पैसा बांट करके जनता जब बिक जाएगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने कहा है अरे बिको पूरी कटोरी खा लो और बदल जाओ, इसलिए कि अपने वोट का महत्व दो, जनता जनता का कल्याण करना है तो स्वच्छ एवं पवित्र उम्मीदवार को निर्दलीय क्यों नहीं उसको वोट करो, अब देखिए जनता क्या निर्णय लेगी। मधेपुरा के आवाम जनता से आपका क्या निवेदन रहेगा, क्या अपील रहेगा? मधेपुरा के आवाम जनता से मेरा अपील जो है ना इस पर्चा में लिखा हुआ है वो है सत्ता एवं संपत्ति के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण आजादी के लिए समर्पित, समता स्वतंत्रता बंधुता एवं न्याय पर आधारित समाज के निर्माण तथा बीच रही शिक्षा नीति की समाप्ति एवं सीटेट पास विद्यार्थी को शिक्षक बनाया जाए तथा 2008 के पहले वाला प्रोफेसर को अनुदान नहीं मिला है वह अनुदान दिया जाए एवं आजीवन पेंशन मिले और साथ ही सभी धर्म के
गरीब साधु साधु जो भूखे मरते हैं एवं कीर्तनिया भगतिया जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके भक्ति पर सारे वोट लेकर के वो अपना सरकार बनाते हैं, उसको मिले अनुदान एवं सभी अक्षर सैनिक को जिन्होंने अक्षर का अलग जगाया है उनको भी मिले अनुदान, यही मेरी भावना है। मधेपुरा की जनता अगर आपको चुन लेती है, सरताज पहना देती है, तो आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा? सबसे पहला काम मेरा रहेगा कि हम 80% टाइम मधेपुरा के धरती जिला हेडक्वार्टर में बितावे और सभी जनता को पंचायत में हर जगह जिला स्तर हर जगह घूम के उनसे जो है उनका विचार ले और अब हम जो अपनी भावना को रखे हैं और जो 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 उनकी मैंने उसका समस्या होगी वो सुनेंगे, उसका लिस्ट बनेंगे और इसके बाद दिल्ली में जो बैठक होगी 20% जीवन प्रयास है 100% कहेंगे 20% वहाँ से नीते और वहाँ की सरकार से और हम जो है अपनी ये चार मांगों को बातों को रख करके उनको अधिकार दिलाएंगे। तो ये थे मेरे साथ प्रोफेसर कामेश्वर यादव जी, जिनका 6 नंबर में क्रमांक संख्या है मोतियों के हार छाप। तो मोतियों के हार छाप उसको मिला हुआ, ये मधेपुरा के सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन मन में उत्साह है, उमंग है, जोश है और इस उम्र में भी काफी उत्साह है कि हम चुनाव जीत पाएंगे। देखना लाजमी होगा और परिणाम तो आपके सामने रहेगा कि कौन जीतता है कौन हारता है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप जो है प्रोफेसर कामेश्वर यादव के बारे में क्या सोच रहे हैं अपना राय कमेंट करें और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24 में। प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय।